फिर उन्हें कॉसोवो के अंदर करवाया और फिर वो वहां पर पीस फोर्स की हैसियत से आ गए। अब वो मैसिडोनिया में करवा रहे हैं और वहां दाखिल हो गए हैं। अगला कदम उनका साइप्रस होगा, साइप्रस में तुर्कों को और वो ग्रीक्स को लड़ाएंगे और वहां आ जाएंगे, वहां से एक छलांग लगाएंगे और ये फिलिस्तीन में पहुंचेंगे और ये वहां पर एक रोमन एम्पायर, अपनी पुरानी रोमन एम्पायर की तरह की रोमन कैथोलिक रियासत कायम करना चाहते। तो वहां अमरीका के ईसाइयों में भी कोई एक तबका नहीं है, कैथोलिक्स भी है, कैथोलिक्स ज्यादा नहीं है हमदर्द, लेकिन अब ताबे हो चुके हैं। इसहाक रेबिन ने जब ये पीस टॉक शुरू हुई थी, आपको याद होगा शायद कि जब वो आया था वाशिंगटन से वापस फिलिस्तीन इसराइल, तो पहले रोम में रुका फॉर एन ऑडियंस विद द पोप, और पोप को उसने एक मर्तबान सा पेश किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का मर्तबान, और कहा था देखिए 3000 बरस तक हमने इसकी हिफाजत की है, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद से पोप जो है